कि बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। अगर इसी तरह पानी की दिक्कत रही तो मुझे लगता है कि 15-20 लाख जो गांव, ये गांव के कलोनी के लोग हैं, एक दिन पलायन ना कर जाएं। हमारा पानी आता था, वो भी एक दिन छोड़कर एक दिन आता था। अच्छा। लेकिन वो भी अब बिल्कुल बंद हो गया। पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है जी, कटोरनी में तो पानी तो पिछले 2 महीने से इस गली में आ ही नहीं रहा है। अब इतनी दिक्कत है, खाने पीने का कहाँ से काम है, इतने इतने पैसा अपने बच्चे इनके किराए इनको दे में, क्या पढ़ाई लिखाई इनको दे में, क्या पानी में यूज करने पैसा बताओ। बिन पानी ये है देश की राजधानी। जी हाँ, हम जहाँ मौजूद हैं ये राजधानी दिल्ली की एक पुरानी गांव है, मतलब यहाँ पे जो है इस गांव का नाम खिटोरनी है और इसका सैकड़ों साल का इतिहास है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है, जिस गांव का सैकड़ों साल का इतिहास रहा हो वो गांव आज पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। जी हाँ, अब देखिए ये जितने लोग हैं इस गांव के लोग हैं, कई पीढ़ियाँ इनकी इस गांव में बीत गई, लेकिन आज जो पानी की स्थिति है ये स्थिति इन लोगों ने आज से पहले नहीं देखी थी। गांव की एक परंपरा है कि जहां पुरुष होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वहां पे महिलाएं नहीं आती। लिहाजा देखिए दूसरे साइड में गांव की वो महिलाएं हैं, बहू हैं, बेटियाँ हैं, जो कि पानी की समस्या को लेकर आज सड़क पर आ गई हैं। उन्हें पता लगा कि हम लोग, हमारी टीम आ रही है, तो मदद के लिए वो लोग यहाँ पे आ गए हैं। बेहद शर्म की बात है कि जहाँ हम राजधानी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के ये मूल निवासी हैं, इनकी कई पीढ़ियाँ दिल्ली इस राजधानी में रही है, लेकिन आज यहाँ पे पानी नहीं है। सर क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत है घिटोरनी गाँव में पानी? नहीं, घिटोरनी गाँव में काफ़ी दिनों से ये बुला रहे थे हमारे देवदत्त भाई की समस्या घिटोरनी गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा। तो आज हम मीडिया वालों को धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम गरीबों की आवाज़ दिल्ली तक पर चलेगी और बहुत मीडिया चैनल पर चलेगी, तो हमें मीडिया से बहुत उम्मीद है कि हमारी समस्या हल हो जाएगी। बड़े दुख और बड़े शर्म की बात है कि पूरा छतरपुर विधानसभा इस टाइम पानी से इतना परेशान है कि बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। अगर इसी तरह पानी की दिक्कत रही तो मुझे लगता है कि 15-20 लाख जो गाँव, ये गाँव के कलोनी के लोग हैं, एक दिन पलायन ना कर जाएं तो ये स्थिति आएगी, क्योंकि यहाँ का जो वाटर लेवल है काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है दिन बे दिन। यहाँ पे जो टैंकर माफिया हैं और जो पानी माफिया हैं, वो नीचे से पानी, अवैध बोरवेल से पानी निकाल दें और होटल में और हॉस्पिटल में पानी को बेचते हैं, लेकिन गाँव में पानी को नहीं देते, क्योंकि हमारा जो पीने का पानी है वो लेटरिंग टॉयलेट के लिए पानी यूज हो रहा है, लेकिन हमें पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। तो इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात है कि हमारे अपने विधायक हैं, हमारे अपने काउंसलर हैं और हमारे अपने सांसद साहब हैं, उसके बाद भी हम सब गाँववासी बहुत परेशान हैं, इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या होगी। देखिए ये बेहद चिंता का विषय है कि जो लोग, जिनकी पीढ़ियां दिल्ली में रह गई, आज पानी की किल्लत के वजह से पलायन की बात कर रहे हैं। सर आप यहां के निवासी हैं, कितनी दिक्कत है आपके क्षेत्र? सर देखिए हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे उससे भी बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इतना बढ़िया यहाँ सिस्टम किया हुआ था कि पानी पहले बहुत था पानी, लेकिन अब कई सालों से इतना बुरा हाल हो गया है, जो पुराने ट्वेल थे वो हमारे सब सूखते चले गए, क्योंकि वाटर लेवल नीचे पहुंच गया, और वाटर लेवल नीचे पहुंचने के बाद हमारे ट्वेल तो सूख गए, लेकिन जो गवर्नमेंट सप्लायर जो देती थी हमें गवर्नमेंट, वो भी सप्लायर बंद हो गई है। पहले सोनिया विहार एक हमारा पानी आता था, वो भी एक दिन छोड़कर एक दिन आता था। अच्छा। लेकिन वो भी अब बिल्कुल बंद हो गया, और इस गली में तो कम से कम 6 महीना हो गए, इस गली में तो बिल्कुल आना ही बंद हो गया पानी। अच्छा। और हम भी अभी जो जाते हैं कहीं भी पानी लेने, बड़ी मुश्किल से एक आध बाल्टी कहीं से मिलता है या एक आध मटका कहीं से मिलता है, अन्यथा पानी मिलता ही नहीं है। सर बहुत बुरी हालत है, और वैसे भी 10-10, 20-20 रुपए की बोतलें वो खरीद कर लाते हैं हम लैट्रिन बाथरूम के लिए भी, ये लगा लो। ये बेहद चिंता का विषय है। सर ये बताइए कि पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब हैं आपके क्षेत्र में, क्या उनसे कभी शिकायत की, उन लोगों ने कभी आश्वासन दिया? देखिए हम कई बार हो आए, सबके पास हो आए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ठीक है हमारा, हम 12 पास कर दिया, अब कब लगेगा उसका कोई भरोसा नहीं, पास कर दिया कहाँ कर दिया, ये कुछ नहीं है। सर देखिए नेताओं के पास कुछ हो ना हो दो चीज़ें एकदम बिल्कुल होती है, पहला भाषण और दूसरा आश्वासन। चुनाव के टाइम पे भाषणबाजी करते हैं कि दिल्ली वालों की या किसी की समस्या दूर कर देंगे, लेकिन जब ये लोग उनके पास अपनी समस्या को लेके जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, पानी नहीं मिलता। सर क्या कहेंगे आप, किस तरह से? पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है जी, कटोरनी में तो पानी तो पिछले 2 महीने से इस गली में आ ही नहीं रहा है।
पहले गंगा वाटर आता था एक दिन छोड़ के, आजकल वो आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। जबकि यहाँ देखा हुआ एक बार सामने की तरफ बहुत बड़ी लाइन गई है, जो अनाथराज खिलौने को पानी दिया जा रहा है, यहाँ बिल भी भरते हैं लोग, वर्षों साथ बसिंदे हैं यहाँ पे, उनके लिए कुछ नहीं है, नए नए लोग आके खिलौने, सामने से लाइन जा रही है। अगर ये लाइन इधर जोड़ दी जाए, कम से कम इस गली में 2000 आदमी रहते हैं, उनका भला हो जाए। अब पानी पीने के लिए बोतलें ले रहे हैं लोग, वो तो ये कम से कम इसकी समस्या तो इनको करनी चाहिए। एमएलए सबसे शिकायत कर ली, बोला जी वो लाइन जुड़ेगी नहीं, सामने से इतनी बड़ी लाइन जा रही है, नौसरा जो लोगों को दे रखी है वहाँ पानी बर्बाद भी हो रहा है, यहाँ नहीं दे रही है गली में जो जी। तो देखिए देखिए शिकायत यही है कि पानी जो है सामने से जा रहा है पर इस इलाके में नहीं आता। अब मैं आ रहा हूँ इस हिस्से में जहाँ पर इस क्षेत्र की महिलाएँ हैं, आमतौर पर ये इस समय घरों का काम करती हैं और अपने परिवार की देखभाल करती हैं, लेकिन पानी की वजह से ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैम किस तरह से दिक्कत है आपके क्षेत्र में पानी को लेकर? भैया पानी की दिक्कत और कुछ नहीं है, बस पानी चाहिए। क्या पानी नहीं आ रहा आपको? पानी नहीं आ रहा भैया, सही में बता रही, पानी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। कैसे काम चल रहा होगा? अब देखो हम कैसे काम चला रहे हैं, ठीक है, एक बाल्टी में हम मांग मांग के दूसरे के घर से लाते हैं तब गुजारा कर रहे हैं। एसी का पानी होता है उसको भी यूज में ले रहे हैं, ऐसे कब तक चलेगा? बोलते पास हो गया, पास हो गया, क्या पास हो गया वो? अब चीतने के बाद कोई देख नहीं रहा हमारी पानी की तरफ, कोई देख नहीं रहा है, सपोर्ट मांग लेते हैं, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। चलिए आप आइए बताइए किस तरह से दिक्कत है आपको? भैया पानी की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ, यहाँ 20-20 लीटर की जो बोतल मंगाते थे 20 में, वो भी 40-50 रुपया के कर दिए। अब छोटे छोटे बच्चे लेटरिन बाथरूम के लिए जाते हैं, अब एक एक बोतल एक और इंग्लिश लेटरिन है, एक डिब्बा से तो काम चलता नहीं है उसमें, पूरी पूरी औंज के वो जाती है। अब इतनी दिक्कत है, खाने पीने का कहाँ से वहाँ मिला काम है, इतने इतने के पैसा अपने बच्चे इनके किराए इनको दें, क्या पढ़ाई लिखाई इनको दें, क्या पानी में यूज करने पैसा बताओ, टैंकर भी 3-3 हज़ार रुपया के अलग बताओ। तो देखिए ये समस्या है, आप बताइए आपकी इतनी उम्र हो गई, इस तरह का जल संकट आपने देखा था पहले कभी? कभी ऐसा ना देखो, कभी ना देखो जैसा अब हो रहा, कभी ना देखो। अब तो बहुत इतनी परेशानी है कि पानी की बहुत इल्लतबाजी, हमें तो बस यूँ चाहिए कि हमारे या बीच में सरकारी बोर लगवा दे, बस हमें कुछ ना चाहिए। जब पानी बीत ही ना रही, बिल भर रहे हैं महीना का महीना, है नहीं, लेन भी पड़ी है, जब कहाँ पड़ी है कहाँ ना पड़ी वाकई पता, जब पानी हमारा बिल्कुल ना रहे हो। अच्छा नेता वेता जो आते थे चुनाव में वो अब आ रहे हैं पानी? अब कोई ना आ रहे हो, अब कोई ना आ रहे हो, चुनाव में तो सब कह तो देते हैं हम वो कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, करते हैं नहीं। फिर बताओ अब मेरे डैडी इतना बूढ़ा आदमी हो रहा, सुबह के लगे ले रात को आके घर में पड़ रहे, क्या उसका मन नहीं है घर में रहने का, सोने का मन नहीं है? तो क्या बुजुर्ग लोग पानी के लिए घरों से बाहर जाते हैं? कहाँ चली जाए बता, कहाँ जा रही है, पूरी रात बीत जाती है उनको पानी के लिए, क्या पैर में चीज नहीं बता, बड़े बूढ़े के क्या उसकी उम्र नहीं है रहने की घर में, है बताओ आप? इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। ये सवाल ये है कि परिवार में बड़े बुजुर्ग बच्चे महिलाएं सब होती हैं, लेकिन सभी लोग आज पानी के लिए परेशान हैं और पानी भरने की भी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है। आप बताइए मैम, आप भाई हम भी वहीं से ले रहे हैं पीछे से पानी, हाँ थोड़ा थोड़ा बाल्टीन में लेके आते हैं, पानी चाहिए बस हमें, एसी के पानी से बच्चों को नहलाते हैं, पोछा लगाते हैं और जो पेड़ पौधों में डालते हैं उसी पानी से ही, ये जो पानी की समस्या है ये पूरी दिल्ली में है, और अगर कहा जाए तो जो जल संकट कहा जा रहा है ये कहना गलत नहीं होगा, राजधानी में अभी जल संकट है। बीजेपी इस समस्या को लेकर सड़कों पे उतर रही है, कांग्रेस भी इस समस्या को लेकर सड़कों पे उतर रही है, वहीं दिल्ली सरकार वो केंद्र सरकार पर थोप रही है कि पानी की समस्या के लिए वो काम करें एलजी पे आरोप, लेकिन राजनीति में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन पानी की समस्या का हल कैसे होगा, कैसे इनके घरों में पानी आएगा, इस राजनीति के बीच में ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। बहरहाल पानी की समस्या से दिल्ली के सैकड़ों गांव, सैकड़ों कॉलोनियां, सभी इलाकों में पानी की संकट है और इसे दूर करने की जिम्मेदारी सभी सरकारों की है।
देखना ये है कि पानी की समस्या से इन्हें कब निजात मिलता है। अमरदीप कुमार,